The total alveolar ventilation divided by cardiac output, and after this equation we get the normal VQ ratio, which is 0.8. अब हमें 0.8 की नॉर्मल फिगर एक मिल गई है। अब इससे ज्यादा या इससे कम, ठीक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर VQ रेशियो मोर देन 1 है या VQ रेशियो लेस देन 1 है, व्हाट डज इट मींस। अगर इफ VQ रेशियो इज मोर देन 1, then it means ventilation exceed the perfusion. Ventilation exceed the perfusion. And if VQ ratio is less than 1, it means perfusion is exceeding the ventilation. So ye zehn mein aap baat bitha lein, normal VQ ratio is 0.8. If VQ ratio is more than 1, it means ventilation exceed the perfusion, and if VQ ratio is less than 1, perfusion exceed the ventilation. And if any mismatch in this VQ ratio, we have impaired transport of oxygen and carbon dioxide. अगर मिसमैच होगा तो हमें क्या इफेक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट जो है इंपेयर हो जाएगी। और एक चीज और ध्यान में बिठा लें, बोथ वीक्यू वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन increase progressively from apex to base of the lungs. Both ventilation and perfusion in progressively increases from apex to base of the lungs. जब apex, अब लंग्स के अगर हम 3 डिवीजंस कर लें, अपेक्स, मिडिल जोन और लोअर और बेस, लोअर जोन मतलब बेस, तो अपेक्स में वीक वेंटिलेशन और परफ्यूजन जो है वो थोड़ा कम होगी देन द मिडिल, और मिडिल की कम होगी देन द बेस, तो सबसे ज्यादा वेंटिलेशन और परफ्यूजन जो है वो बेस ऑफ द लंग्स में होगी। But increase in the ventilation is less than the increase in blood flow. Yani blood flow काफी ज्यादा बढ़ जाएगा बेस में ventilation के मुकाबले में, ventilation भी बढ़ेगी लेकिन increase in ventilation is less than the increase blood flow के मुकाबले, blood flow ज्यादा कुछ बढ़ जाएगा। Okay, we have some reasons behind that. Why is VQ ventilation perfusion is less in the apex, and why it is increased or more in the base of the lungs. So anybody have any idea why it is like this? इस तरह क्यों है, अपेक्स में कम बेस में ज्यादा वेंटिलेशन और प्रोफ्यूजन? ड्यूप्लिकेशन ऑफ एल्वियोलाई इन जी सर, एल्वियोलाई बेस में होते हैं ज्यादा, इसलिए एल्वियोलाई ज्यादा होते हैं बेस पे।
कोई और आइडिया जी किसी को कि व्हाई वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन इज मोर इन प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस इन द बेस देन द अपेक्स? एक सजेशन ये आई है कि मोर एल्वोलाई है इन द बेस. एनीवन हु गिव सम सजेशन और आइडिया और सम थॉट व्हाई दिस इज सो? जी कोई और बताएं? जी जी कोई और बताना चाहेगा या सारे खामोश हैं? आई एम आस्किंग. Okay, so nobody is giving me some idea. So I am discussing about the VQ ratio, and I told you the ventilation and perfusion progressively increases from upper part to lower part of the lungs, from apex to the base of the lungs. तो उसके एक रीजन जो है उसमें आपको मैं ये बता दूं कि ये होता है क्योंकि लंग्स का अपना भी वेट है, वेट ऑफ लंग, लंग्स का अपना वजन है, वेट है, और लंग्स जो इलास्टिक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेच होता है. तो लंग्स का अपने वेट की वजह से जो स्ट्रेचिंग है, ड्यू टू दिस स्ट्रेचिंग एल्वोलाई ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द लंग इज मोर स्ट्रेच देन द लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स. तो लंग्स का अपना जो वजन है, वेट है, उसकी वजह से लंग्स आर स्ट्रेच, एंड ड्यू टू दिस स्ट्रेच एल्वोलाई ऑफ द अपर पार्ट more stretch than the lower part. तो alveoli जो upper part के alveoli होंगे वो ज्यादा stretch हो जाएंगे और उनकी थोड़ी सी space या air capacity थोड़ी ज्यादा होगी than the middle, और middle की ज्यादा होगी than the lower part of the lungs. So इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपेबिलिटी है अल्वोलाई की ज्यादा स्ट्रेच होने की वो लोअर पार्ट में है, क्योंकि अपर पार्ट का जो अल्वोलाई ऑलरेडी स्ट्रेच हुआ है कुछ, और मिडिल का भी हुआ है, देन द लोअर वन. तो लोअर पार्ट अल्वोलाई हैव मोर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू स्ट्रेच. ठीक है, तो एक रीजन इसकी ये हो गई कि लोअर पार्ट के जो एल्वोलाई हैं वो ज्यादा एयर को अकोमोडेट कर सकते हैं देन द अपर पार्ट ऑफ द लंग्स, क्योंकि अपर पार्ट के एल्वोलाई ऑलरेडी स्ट्रेच हैं ड्यू टू वेट ऑफ द लंग्स, ड्यू टू स्ट्रेच पुट ऑन द लंग्स, जो स्ट्रेचिंग है उसकी वजह से अपर पार्ट के एल्वोलाई ज्यादा ओपन है देन द लोअर पार्ट, और लोअर पार्ट की कैपेबिलिटी ज्यादा है टू रिसीव और कैपेसिटी
इंक्रीज कैपेसिटी टू रिसीव एयर, ठीक है. सो वेंटिलेशन इज प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग फ्रॉम अपेक्स टू बेस ऑफ द लंग्स. एक रीजन तो ये आप समझ रहे, ठीक है. और इस स्ट्रेच की वजह से जो कि लंग्स पे लंग्स के वेट की वजह से, ठीक है, वी हैव डिफरेंस इन द प्लूरल प्रेशर फ्रॉम द अपर टू लोअर पार्ट. तो प्लूरल प्रेशर में भी कुछ फर्क होगा ड्यू टू दिस स्ट्रेचिंग आर ऑफ द लंग्स. और जो एल्वियोलाय ज्यादा स्ट्रेच हुए अपर पार्ट के उनमें प्लूरल प्रेशर ज्यादा होगा, और जो लोअर पार्ट के एल्वियोलस हैं उनमें प्लूरल प्रेशर कुछ कम होगा. तो लेट्स से अगर अपर पार्ट अंडरस्टैंड प्लूरल प्रेशर, और फॉर एग्जाम्पल मिडिल में -5 है और लोअर में -2.5 है, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर हम ये इसको ऐसी फिगर दें -10 -5 और -2.5 प्लूरल प्रेशर इन द अपर मिडिल एंड लोअर जोन, तो लोअर जोन की ज्यादा कैपेबिलिटी है टू अकोमोडेट अगेन, उसके पास ज्यादा स्पेस है, ठीक है. लोअर जोन एल्वियोलाय हैव मोर स्पेस, मोर कैपेसिटी, मोर कैपेबिलिटी टू चेंज इन द साइज, उसके पास ज्यादा साइज को अकोमोडेट होने का ज्यादा चांस है. तो इसलिए वेंटिलेशन जो है ड्यू टू दिस मोर नेगेटिव फ्लोर प्रेशर ड्यू टू दिस साइज ऑफ द एल्वियोलाय इन द लोअर जोन वी हैव वेंटिलेशन इंक्रीज इन द lower zone or base than the apex or upper zone of the lungs. So ventilation progressively increasing from upper part of to lower part of the lungs. Okay. आई थिंक ये चीज आपको दो पॉइंट क्लियर हो गए हैं जिसकी वजह से वेंटिलेशन बेस में ज्यादा हो रही है. अब परफ्यूजन को लेते हैं. नाउ वी हैव परफ्यूजन. अगेन परफ्यूजन प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग फ्रॉम अपेक्स टू बेस ऑफ द लंग्स. बेस ऑफ द लंग्स में परफ्यूजन भी ज्यादा हो. वन इज द ग्रेविटी इफेक्ट, ठीक है. ग्रेविटी की वजह से ब्लड फ्लो जो है लोअर जोन की तरफ कुछ ज्यादा होगा, लेकिन इट इज नॉट ओनली द ग्रेविटी, अदर फैक्टर्स आर प्लेइंग देयर रोल्स for this perfusion. So perfusion is progressively increasing from the upper part to lower part of the lungs. One effect is gravity. And perfusion pressure is more in the lower zone. We already discussed the size of the alveoli in the upper part is more than the lower part. So, jab alveoli zyada open honge in the upper part, upper part mein alveoli jo hai wo zyada stretch hai. They put pressure on the vessels.
जब आप वेसल्स की स्ट्रक्चर देखोगे कि तो एल्वियोलाई के साथ ही वेसल्स लगी हुई हैं, ठीक है, तभी तो गैस एक्सचेंज हो रही है इनके दरमियान, ठीक है, जो कि हमने अभी पीछे जो ये पीछे आपको दिखा भी देते हैं जी। तो देखें एल्वियोलर स्ट्रक्चर हमने ये आपको दिखाई कि इसकी मेम्ब्रेन है, फिर इंटरस्टीशियल फ्लूइड है, फिर साथ ही कैपिलरी लगी हुई है, उसकी बेसमेंट में और उसकी एपिथेलियम, ठीक है, ओके। जब एल्वियोला ज्यादा स्ट्रेच होगा, अपर पार्ट का ऑलरेडी ज्यादा है हमें पता है, ज्यादा स्ट्रेच है, ठीक है, सो दिस एल्वियोला सैफ पुट प्रेशर ऑन दिस वेसल। तो इस जो इंक्रीज स्ट्रेच है ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द एल्वियोला हैव मोर स्ट्रेच ऑन द वेसल्स एंड दे कंप्रेस द वेसल, तो वो उस वेसल को कंप्रेस कर देगा क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा ओपन हुआ हुआ है, ज्यादा स्ट्रेच हुआ हुआ है, सो इट पुट प्रेशर ऑन द वेसल एंड इट कंप्रेस द वेसल्स। सो ड्यू टू दिस कंप्रेशन वी हैव रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, हम रेजिस्टेंस फेस करेंगे ब्लड फ्लो। सो अपर पार्ट का जो एल्वियोला है मोर स्ट्रेच है, वो प्रेशर डाल रहा है वेसल पे एंड इट कंप्रेस द वेसल, सो इट क्रिएट अ रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। सो ब्लड फ्लो को ज्यादा रेजिस्टेंस होगा अपर पार्ट में देन द लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स। सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें कि अपर पार्ट में कैसे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, स्ट्रेच ज्यादा है एल्वियोला वहां। आई टोल्ड यू कि अपर पार्ट के जो एल्वियोलाई हैं वो मोर स्ट्रेच है ड्यू टू वेट ऑफ लंग्स, लंग्स स्ट्रेचेबल स्ट्रक्चर है, स्ट्रेच हुआ है थोड़ा अपनी जगह पे, एक जगह पे स्ट्रेच होके पड़ा हुआ, ठीक है। तो जब कोई इलास्टिक चीज को स्ट्रेच करें, ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट ज्यादा स्ट्रेच हुआ होता है ऑलरेडी, और अगर उसको मोर स्ट्रेच करेंगे तो लोअर जोन ज्यादा स्ट्रेच होगा देन दी अपर जोन। सो ऑलरेडी जो एल्वियोलाई जो है स्ट्रेच है अपर पार्ट अपर जोन के, ठीक है, उसकी वजह से कुछ प्रेशर क्रिएट हो रहा है जो उसके साथ वेसल्स लगी हुई हैं या कैपिलरी लगी हुई है उसको वो कंप्रेस कर रहा है जिससे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, और ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस ब्लड फ्लो जो है वो थोड़ा अपर पार्ट में कम जाएगा, और सेकंड जो है वो ग्रेविटी इफेक्ट है जो अपर पार्ट में थोड़ा ब्लड को कम भेजेगा देन द लोअर जोन ऑफ द लंग्स। तो दीज आर द रीजंस ऑफ इंक्रीज परफ्यूजन इन द बेस एंड इंक्रीज वेंटिलेशन इन द बेस ऑफ द लंग्स, ठीक है। एक रीजन हमने बताई स्ट्रेचिंग है जिसकी वजह से लोअर जोन का जो कम स्ट्रेच है उनकी कैपेबिलिटी ज्यादा है टू रिसीव द एयर, तो वो एयर को रिसीव ज्यादा करेंगे तो वेंटिलेशन बेस में ज्यादा है। दूसरा हमने कहा प्लूरल प्रेशर डिफरेंस है, एल्वियोलाई जो लोअर जोन के उनका जरा माइनस ज्यादा है जिसकी वजह से एयर की फ्लो ऑटोमेटिकली उधर जाएगी। दो रीजन हो गए और दो ही रीजन परफ्यूजन के, एक ग्रेविटी और एक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्यों होगा वेसल्स को ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ एल्वियोलाई इन द अपर जोन, वो ज्यादा स्ट्रेच है और वो कंप्रेस कर रहे हैं और वी हैव फेस अ रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, तो इसलिए लोअर जोन में ब्लड फ्लो ज्यादा होगा। सो वी हैव स्लाइट इंक्रीज इन वेंटिलेशन फ्रॉम अपेक्स टू बेस, मच मोर इंक्रीज इन परफ्यूजन फ्रॉम अपेक्स टू बेस ऑफ द लंग्स। इधर तक आपको क्लियर हो गई कि प्रोग्रेसिवली इंक्रीज क्यों है, क्यों ज्यादा है, वी डिस्कस दैट थिंग। अब हम कुछ डिजीजेस और कंपैरिजन करते हैं। नॉर्मल रेशियो आपको पता लग गया कि 0.8 है। लंग्स को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया, अपर जोन, मिडिल जोन एंड लोअर जोन, ठीक है, जिसको अपेक्स, मिडिल और बेस कहते हैं।
डिजीज से पहले मैं एक आध चीजें और आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये भी आप जरा गौर से सुन लें। अब वी डिवाइड द लंग्स इन थ्री जोन्स, अपर मिडल एंड लोअर, और अपेक्स मिड एंड बेस। अब जो अपेक्स है उसमें हम अगर वी क्यू रेशियो देखें, वी क्यू रेशियो इन द अपेक्स, ये मैं पिक्चर भी आपसे डिस्कस करूंगा लेटर ऑन। अच्छा, वी क्यू रेशियो अगर हम अपेक्स का देखें तो वो मोर देन 0.8 होना चाहिए, 0.8 होना चाहिए या लेस देन 0.8 होना चाहिए। उससे पहले मैं स्टेटमेंट आपको दे चुका हूं पहले, सर ज्यादा होनी चाहिए 0.8 से। जी ज्यादा होना चाहिए, ओके वेरी गुड, 0.8 से ज्यादा होना चाहिए। तो व्हाट डज इट मीन, बहुत अच्छा। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, मान लिया वी क्यू रेशियो इज मोर देन 0.8 इन द अपेक्स, इसका क्या मतलब है? ऑलरेडी हमने एक चीज डिस्कस की कि वी क्यू रेशियो अगर मोर देन 1 हो, व्हाट डज इट मीन, पहले हम डिस्कस अभी बताया आपको, वेंटिलेशन एक्सीड करेगी या परफ्यूजन? वेंटिलेशन, ओके वेरी गुड, वेंटिलेशन एक्सीड द परफ्यूजन इफ वी क्यू रेशियो इज मोर देन 1। अब मैं अगर आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ या आप मुझे दे रहे हैं कि जी वी क्यू रेशियो इज मोर देन 0.8 इन द अपर, इसका मतलब है कि वेंटिलेशन जो है वो कुछ ज्यादा है और ब्लड फ्लो उसके मुकाबले में कम है। ठीक है, इन द अपेक्स, इन द अपर पार्ट। ठीक है, तो वेंटिलेशन इसका मतलब है वेंटिलेशन इज वेस्टेड होने का चांस है, क्योंकि जितनी वेंटिलेशन आ रही है ऊपर से, जितना सांस हम लेके अंदर लेके जा रहे हैं इन द एल्वोलस, बट उस एल्वोलस के साथ, उन एल्वोलाई के साथ जो परफ्यूजन है या ब्लड फ्लो है वो जरा स्लो है। और अगेन हमने डिस्कस किया वो क्यों स्लो है, ग्रेविटी और रेजिस्टेंस ऊपर ज्यादा है। तो इसका मतलब वेंटिलेशन वेस्ट होने का चांस है। ठीक है, अब अगर हम कहते हैं इन द अपेक्स वी क्यू रेशियो इज मोर देन 1, वेंटिलेशन एक्सीड परफ्यूजन, तो वेंटिलेशन इज वेस्टेड, वेंटिलेशन वेस्ट हो सकती है क्योंकि उतनी परफ्यूजन नहीं है। ठीक, और इसका क्या इफेक्ट आएगा, जब पल्मोनरी कैपिलरीज और आर्टरीज और वेन्स में जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर जो शुरू में है ऑक्सीजन का वो कितना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है। तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो 40 है जहां से एंट्री हो रही है, 40 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और एंट्री पॉइंट पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो है 46। अब ब्लड आ रहा है, ठीक है, और एल्वोलाई के पास से गुजर रहा है और एल्वोलस से जो हम ब्रीद इन कर रहे हैं वो एयर, ठीक है। अब ये प्रेशर होगा तभी जो है वी हैव a diffusion of oxygen from alveolus into the blood and diffusion of carbon dioxide from blood to the alveolus, kyunki jab entry point hai we have oxygen is 40, carbon dioxide 46, and in the alveolus we have breathing air
जो हम ब्रीथ कर रहे हैं वी हैव ऑक्सीजन प्रेशर इज 100 एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग प्रेशर इज 40। जो पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का अल्वोलस में 100 है, सो ऑक्सीजन ट्रेवल डिफ्यूज करेगी फ्रॉम अल्वोलस टू द ब्लड, जाके 40 प्रेशर है, तो ऑक्सीजन जो है कम इन टू द ब्लड एंड वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड 46 इन द ब्लड। प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर 46 है जबकि अल्वोलस में 40 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी डिफ्यूज करेगी फ्रॉम ब्लड इन टू द अल्वोलस। ओके, और जो अब पास होके जो परफ्यूजन आगे चली जाएगी उसमें फिर ऑक्सीजन प्रेशर जो है हमारा 100 होगा आफ्टर ट्रेवल्स थ्रू द अल्वोलस, ब्लड आगे चला गया, ठीक है, और यहां से जाहिर है ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ जाएगा तो पंप, वहां से फिर पंप आउट होगा टू द बॉडी पार्ट्स टू द टिश्यूज। तो जो ब्लड हमारा लेफ्ट हार्ट में आएगा ऑक्सीजन इज 100%, 100 मिलीलीटर्स का पार्शियल प्रेशर होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 40, ठीक है, पीछे से 46 आ रहा था कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर ऑफ मिलीलीटर ऑफ एनर्जी, उसमें से डिफ्यूजन हो गई ब्लड से निकल के अल्वोलाय में आया, अल्वोलाय में ब्लो आउट हो गया, एक्सपायर हो गया, ठीक है, जो रिमेनिंग आगे चला गया वो 40 हो गया, और पीछे से ऑक्सीजन आ रहा था 40, एल्वोलस से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके ब्लड में आई एंड देन ब्लड ने उसको कैरी किया आरबीसी ने और ब्लड आगे फ्लो कर गया और ऑक्सीजन जो है वो 100 मिली, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सो ये फिनोमेना जो है आइडियल है जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है, ये उस सूरत में होगा जब वी क्यू रेशियो हमारा 0.8 पे, ठीक है, वी क्यू रेशियो 0.8 पे है। जस्ट अगर इस ये जो डायग्राम मैंने आपको शो की है यू सी इट, ये नॉर्मल दिया हुआ है वी क्यू रेशियो ये पॉइंट, ठीक है, जिस पे मैं कर्सर रख रहा हूं दिस पॉइंट वी क्यू रेशियो इज नॉर्मल, तो इधर देखें एल्वोलर एयर 100 और 40 और आगे भी फिर ये जाके ऐसे आए, ठीक है। So, again I come to the point VQ ratio more than 0.8, ventilation exceed the perfusion. So, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं अल्वोलस ब्रीदिंग में इन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि परफ्यूजन जो है वो स्लो है इस केस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी अल्वोलस की नॉर्मली वो होती है 40 इन द अल्वोलस, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 जो भी हमने डिस्कस किया, अगर वी क्यू रेशियो मोर देन 8 है यानी 1 से ऊपर है तो PCO2 जो है अल्वोलस की थोड़ी बढ़ जाएगी लेट से 43 है 40 की जगह, ठीक है, उसकी रीजन यही है कि परफ्यूजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा अल्वोलस में नहीं आ रही ड्यू टू डिक्रीज परफ्यूजन। और वेंटिलेशन जो है वेस्ट हो रही है, सो इफ वी हैव वी क्यू रेशियो ऑफ 0.8 मोर देन 0.8 वेंटिलेशन जो है वेस्ट होगी होने का चांस है ड्यू टू डिक्रीज इन द परफ्यूजन। और आइडियल हमने डिस्कस कर लिया वी क्यू रेशियो अगर नॉर्मल है तो इनिशियली जो प्रेशर था
ऑक्सीजन का वो 40 था और इनिशियली पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 46 था. डिफ्यूजन हुई, ऑक्सीजन ब्लड में आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलस में चला गया. आगे जो प्रेशर बन गया वो ऑक्सीजन 100 और कार्बन डाइऑक्साइड 40. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 मिलीमीटर आई जी. ये वी क्यू रेशियो जब 0.8 होगा. अगर वी क्यू रेशियो लेस देन 0.8 हो, व्हाट डज इट मीन? वी ऑलरेडी डिस्कस वी क्यू रेशियो लेस देन 0.8. सर वेंटिलेशन फिर कम होगी और वेंटिलेशन कम होगी और परफ्यूजन ज्यादा होगी. परफ्यूजन वेस्ट होगी. वेरी गुड. परफ्यूजन एक्सीड द वेंटिलेशन. ठीक है. अब परफ्यूजन जब ज्यादा होगी तो जो एंड पॉइंट पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है मोर देन 40 हो जाएगा. ठीक है. ये टॉप पे देखें वी क्यू रेशियो जीरो है. ये वाला ठीक है. तो CO2 देखें इधर 45 है, जबकि आइडियल कंडीशन में हमने 40 रखा हुआ था CO2. ठीक है. तो इधर बढ़ गया. क्योंकि जो वेंटिलेशन है वो कम है तो CO2 ज्यादा एल्वोलस में नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ब्लड में ज्यादा रह जाएगा. ठीक है. इसलिए CO2 40 से 45 हो जाएगा और वेंटिलेशन कम है तो ऑक्सीजन भी जो है एल्वोलस से ब्लड में कम आएगी और ऑक्सीजन जो है वो लेस देन 100 होगी. यहाँ पे इन्होंने 40 लिखी हुई है. ठीक है. ठीक है. ये पॉइंट समझ आ गया कि वेंटिलेशन कम है परफ्यूजन ज्यादा है. तो वेंटिलेशन जब कम होगी तो इसका मतलब है कि ब्लड से CO2 एल्वोलस में कम आएगा तो ब्लड में CO2 ज्यादा हो जाएगा. इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो एल्वोलस से ब्लड में कम आएगा तो ऑक्सीजन जो है ब्लड में कम हो जाए, वो लेस देन 100 होगा. तो इन्होंने 40 लिखा है 45. तो ये वी क्यू रेशियो लेस देन 8 वाला है, ये नॉर्मल है और ये मोर देन. और मोर देन 8 में ये PCO2 जीरो लिखा हुआ है ना. परफ्यूजन कम है. ठीक है. तो एल्वोलस में जो CO2 होगा वो वॉश आउट हो जाएगा, यानी वो जितना पड़ा होगा एयर वो हम जो एक्सपायर करेंगे उसमें निकल जाएगा. ठीक. और ऑक्सीजन इसमें इसलिए ज्यादा है कि ऑक्सीजन प्रेशर परफ्यूजन कम है तो वो ऑक्सीजन ज्यादा शामिल नहीं हो रही ब्लड में. सो ऑक्सीजन का जो है 149 तक चली जाएगी इन एल्वोलस और CO2 जीरो हो जाएगा क्योंकि वो वॉश आउट होगा, ब्लड से कम आ रहा है इन द एल्वोलस. तो नाउ आई डिस्कस. अब आपको ये समझ आ गई है कि वी क्यू रेशियो मोर देन 8 का मतलब है वेंटिलेशन एक्सीड द परफ्यूजन, वेंटिलेशन वेस्ट होने का चांस वेस्टेड होती है. वी क्यू रेशियो नॉर्मल 0.8 है, ये आइडियल कंडीशन है. और VQ is less than 0.8 means perfusion exceed the ventilation, perfusion may be wasted. और इस डायग्राम को भी मैंने आपको अब समझा दिया है कि what does normal में क्या है, zero में क्या है और exceed में क्या है. Now we discuss some diseases.
अब मैं आपको डिजीज के जरिए समझाता हूँ, ठीक है, और व्हाट्सएप पे मैं आपको शेयर करूंगा लिंक फॉर अटेंडेंस आफ्टर 2-3 मिनट्स आई शेयर दिस। व्हाट्सएप पे शेयर करना है मैंने लिंक, वो फिर आपस में आप कर लें अटेंडेंस के लिए। अच्छा मैं आपको अब कह रहा, अब हमारा एक स्टेटमेंट ये है कि कार्डियो पल्मोनरी डिजीज लीडिंग टू वी क्यू मिसमैच। अगर कोई भी कार्डियो पल्मोनरी डिजीज हो वी क्यू मिसमैच होगा एंड देर इज द चांस ऑफ हाइपोक्सीमिया, ठीक है, रिड्यूस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दैट डिजीज कंडीशन। अब लेट्स से लोबार नमोनिया है, वी हैव इंफ्लेमेशन ऑफ वन लोब ऑफ द लंग्स, जिसको हम लोबार नमोनिया कहते हैं, नमोनिया इज इंफ्लेमेशन ऑफ लंग, वी हैव लोबार नमोनिया, ठीक है, ये डिजीज है। ड्यू टू दिस इंफ्लेमेशन ऑफ अ लोब ऑफ अ लंग विच इज नोन एज लोबार नमोनिया, देर इज डिक्रीज वेंटिलेशन इन अफेक्टेड पार्ट। जाहिर है अगर एक लोब छोटा सा लंग्स का काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब वेंटिलेशन कम हो जाएगी, ठीक है, वी हैव प्रॉब्लम इन द लंग्स, ठीक है, तो वी हैव अ डिक्रीज पर वेंटिलेशन ऑन द अफेक्टेड पार्ट वाइल परफ्यूजन इज अनचेंज्ड। परफ्यूजन में कोई मसला नहीं है, वी हैव प्रॉब्लम इन द लंग्स, ठीक है, तो वी हैव डिक्रीज वेंटिलेशन बट अनचेंज्ड परफ्यूजन। सो वी क्यू रेशियो क्या होगा इधर इस कंडीशन में, लेस देन वन या मोर देन वन? सर लेस देन वन। ओके लेस देन वन, वेरी गुड। और लेस देन वन का हमें पता है कि परफ्यूजन इज एक्सीड देन द वेंटिलेशन, और यही हम बात कर रहे हैं कि ये एक डिजीज कंडीशन है लोबार नमोनिया विच इन्वॉल्व्स द लोब ऑफ द लंग्स, वी हैव डिक्रीज वेंटिलेशन ड्यू टू दिस एंड वी हैव वी क्यू रेशियो लेस देन वन बिकॉज इसलिए कि परफ्यूजन अफेक्टेड नहीं है, परफ्यूजन अपनी नॉर्मल आ रही है, वेंटिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वी हैव एक्सीड इन द परफ्यूजन देन द वेंटिलेशन। अब लंग्स की एक खास बात है और नेचर ने ऐसी क्वालिटी दी है, वी हैव अ केपेबिलिटी बाय द नेचर इन द लंग्स कि लंग्स नेचर डज नॉट वॉन्ट टू वेस्ट, चाहे वो एयर हो चाहे वो परफ्यूजन, तो नेचर नहीं चाहती कि परफ्यूजन वेस्ट हो, नेचर नहीं चाहती एयर वेस्ट हो, ठीक है। इस सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं लोबार नमोनिया की, ठीक है, और वी डिस्कस दिस कि वी हैव डिक्रीज वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन इज नॉर्मल बट वी हैव डिक्रीज वेंटिलेशन इन लोबार निमोनिया, ठीक है, बट नेचर गिव्स अस दैट केपेबिलिटी व्हेन देयर इज हाइपोक्सिया, जिसकी वजह से अब यह कि हाइपोक्सिया होगा क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वी हैव हाइपोक्सिया, तो वी हैव हाइपोक्सिया, एक मिनट आपको लिंक शेयर कर दूं।
मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, जी आपस में शेयर कर लें, मैंने लिंक शेयर कर दिया व्हाट्सएप पे। अच्छा ये पॉइंट्स साथ साथ सुनते जाएं। व्हेन देयर इज हाइपोक्सिया इन द लंग्स ड्यू टू लंग्स डैमेज, बिकॉज ऑफ डिक्रीज वेंटिलेशन इन अफेक्टेड एरिया वी हैव हाइपोक्सिया, एंड व्हेन देयर इज हाइपोक्सिया इन द लंग्स this can lead to vasoconstriction of the vessels in the lungs to the affected part of the lungs. जो भी affected part होगा उसमें ventilation कम हो गई, hypoxia हो गया, ठीक है। उस hypoxia की वजह से, due to this hypoxia, there will be vasoconstriction of the vessels supplying the affected lobe or affected area. वहां पे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। सो डिक्रीज ऑफ द परफ्यूजन टू द अफेक्टेड लोब, तो जहां वेंटिलेशन कम हुई वहीं वैसोकंस्ट्रिक्शन हुई, नेचर ने ऐसा निजाम रखा है और आपकी परफ्यूजन भी वहां कम हो गई। सो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इस कंडीशन में मोर नॉर्मल की तरफ होगा, ठीक है, क्योंकि वेंटिलेशन कम है तो परफ्यूजन भी डिक्रीज हो गई और परफ्यूजन जो है वो शंटिड हो जाएगी, परफ्यूजन जो है शंटिड हो जाएगी, ब्लड फ्लो ज्यादा अदर पार्ट्स की तरफ चला जाएगा जो कि नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं देन द अफेक्टेड पार्ट। सो नेचर गिव्स अस दिस फिनोमेना एंड दैट वुड लीड टू इन फेवर ऑफ अस कि हमारी एयर और परफ्यूजन दोनों वेस्ट ना हो, अगर कोई डिजीज हो भी गई है तो कोशिश करती है नेचर की, ऐसा इंतजाम रखा हुआ है कि परफ्यूजन या वेंटिलेशन वेस्ट ना हो। सो आई फिनिश हेयर। कुछ डिजीजेस और हैं वो हम डिस्कस करेंगे। वी हैव सम डिजीजेस लाइक COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उसका क्या इफेक्ट आता है, और एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द वेसल्स due to thrombus formation, any blockage of the vessels of the lungs, उसको हम discuss करेंगे क्या होगा, और अगर obstruction of the airway हो गई है उसको हम देखेंगे कि क्या effect होता है VQ ratio। I will discuss this and next lecture, और उसके बाद हम proceed forward कर जाएंगे diffusion और transport की तरफ of carbon dioxide and oxygen। अभी के लिए इतना ही काफी है जी, ठीक है। सो सर एक सवाल, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप अभी, अप टिल नाउ वी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई यू कैन आस्क अबाउट VQ रेशियो, ये समझना जरूरी है आपके लिए। Okay, I'm finishing here. So next time on Saturday, inshallah, we will proceed forward and discuss VQ ratio again in reference to some diseases. Okay, thank you very much. See you next time. Allah Hafiz, sir. Okay, thank you, sir. Allah Hafiz.